राष्ट्र सेविका समिति की ओर से नाना जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए प्रमिला ताई मेढे ने कहा कि तो जिनका कोई नहीं है उनका मैं हूँ, ऐसे लोगों को उन्होंने ऊपर उठाया और यही वास्तविक कार्य है, यह उन हम सब लोगों को उन्होंने दिखाया। शायद कमजोर लोगों को कमजोर बनाकर कोई व्यक्ति बड़ा हो सकता है, परंतु कमजोर व्यक्ति को ऊपर उठाकर उसको सशक्त बनाने वाला महान होता है, ऐसे महान व्यक्तियों में माननीय नाना जी थे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने नाना जी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि भारत में लोकतंत्र को बचाने के संघर्ष में नाना जी की अग्रणी भूमिका को हम अपने मानस और हृदय पटल से कभी नहीं मिटा सकते। मुझे ऐसा लगता है कि उनके जैसा एक समर्पित व्यक्ति बनने, निस्वार्थी और समर्पित सामाजिक जीवन के लिए काम करने वाला और राष्ट्र जीवन के प्रति भी पूरी तरह समर्पित और यह राजनीति में मान्यता है उस समय उसे निवृत्त होकर अपने जीवन को समाज के गरीब और नीचे तबके के लोगों के लिए उनके अपनत्व की भावना से अपने जीवन को नौचार कर देने वाली उपलब्धि, यह वर्तमान स्थिति में राजनीतिक जीवन में हमारे जैसे अनेक कार्यकर्ताओं के लिए आदर्श है। उनका कार्य, उनकी प्रेरणाएं सालों तक हमारे साथ चलती रहेगी। नाना जी को महात्मा की संज्ञा देते हुए राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के संयोजक श्री के एन गोविंदाचार्य ने कहा कि मैं तो उनको एक महात्मा मानता हूँ भारतीय परंपरा के अनुसार, कि मनस एकम वचस एकम कर्मण्येकम महात्मनाम, मनस अन्यत वचस अन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मनाम, मन वचन कर्म में एक। इसलिए वो कहते थे कि अपने लिए नहीं अपनों के लिए जी, उस बात को उन्होंने जी कर दिखाया। श्रद्धांजलि सभा का संचालन करते हुए प्रख्यात राष्ट्रवादी चिंतक देवेंद्र स्वरूप ने नाना जी के साथ बिताए गए पुराने दिनों का स्मरण किया। जनसंघ के निर्माण काल से उनसे घनिष्ठ संबंध प्रारंभ हुआ और 1968 में जब उन्होंने दीनदयाल शोध संस्थान निर्माण प्रक्रिया प्रारंभ की तब उनके तमाम चिंतन में सहभागी होने का सौभाग्य मुझे मिला। नाना जी का 94 वर्ष लंबा जीवन एक स्वतंत्र गाथा है। जीवन के अनेक क्षेत्रों में उन्होंने प्रवेश किया और जिस क्षेत्र में गए वहां पर वे शिखर पर पहुंचे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक श्री मोहन राव भागवत ने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि नाना जी ने मानव सेवा को सर्वोपरि मानते हुए अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र हित में समर्पित कर दिया। कर्तृत्व, यशस्विता आदि आदि की कमी नहीं है, लेकिन इन सब में रहकर भी, इन सबसे अलिप्त रहकर, कमल पत्र पर जल बिंदुवत रहकर, स्वयं के लिए बिल्कुल न सोचते हुए संपूर्ण समर्पण राष्ट्र के प्रति करने की आवश्यकता यह सदा बनी है और नाना जी का जीवन इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व सरसंघचालक श्री केसी सुदर्शन, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, श्री करिया मुंडा, श्री मदन लाल खुराना, आचार्य गिरिराज किशोर, श्री सैयद शाहनवाज हुसैन, श्री तरुण विजय और कई प्रमुख संगठनों के लोगों ने नाना जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रख्यात भजन गायक अनूप जलोटा ने अपने भजनों के माध्यम से नाना जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। जब हम पैदा हुए जग हंसे हम हुए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए, शरीर को ये चादर के समान समझते हुए कबीरदास कहते हैं चंद्रिया चंद्रिया।
भेजने से पहले उसने लाखों हृदयों में सेवा समर्पण त्याग का दिया रोशन कर दिया। इसी दिए की लौ से भावी हिंदुस्तान अपने स्व के साथ पुनः संसार का मार्गदर्शन करने चल पड़ेगा। मानवता और चराचर जगत के कल्याण का कोई और रास्ता भी तो नहीं है सिवाय सेवा समर्पण त्याग के। नाना जी ने इसी हेतु अपना सर्वस्व मातृभूमि की सेवा में यह कहते हुए समर्पित कर दिया। तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित चाहता हूँ तुझको अभी कुछ और भी दूँ तुझको अभी कुछ और भी दूँ चाहता हूँ तुझको अभी कुछ और भी दूँ। Mm-hmm.